हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बिलाल सईद के न्यू सॉन्ग पर, जिसका टाइटल है 3 साल। तो लेट्स चेक इट आउट। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ऑल क्रेडिट गोज टू 1-2 रिकॉर्ड्स। काफी टाइम बात कर रहे हैं ना आज बिलाल सईद को, बहुत टाइम के बाद। अदनान काजी डायरेक्ट। क्या लोकेशन है, बहुत ही अच्छा। 3 साल पूरे 3 साल। एक सेकंड। बिलाल सईद ने ये किया, ब्लीच किया, वही देख रहा हूँ मैं। नहीं, पहले ऐसा जब फ्रंट से था तो मुझे लगा ये पीछे का जो धूप वगैरह, लेकिन ये पीछे साइड से अब समझा। इंटरेस्टिंग। हाँ ना, वही ना, काफी सूट कर रहा है ऐसे। किते जानी है, कूल लग रहा है। कूल, हाँ। किते सोनी है, किते रोनी है, किन्ने सारे मेरे सवाल। सोनी है नी तू जदो लाइफ च आई, लगे आके ना कदे आवेगी जुदाई, पर तू मैं छड़ गई ते मुक हद गई, तेरे मेरे प्यार नु नजर लग गई। ये क्या 3 साल के रिलेशनशिप के बारे में है क्या, जो ब्रेकअप हो गया? ये शायद से नजर लग गई, सॉन्ग से रिलेटेड तो नहीं है ना? नजर लग गई। आज खोले बैके ओ सफे, तेरे लिए सी जो लिखे, तेरे मैसेजेस, तेरे सारे गिफ्ट, जड़ी फिल्म देखी ओ दे टिकट्स मैं रखे सारे सामने। सोनी है नी तू मैनू समझ ना पाई, दुनिया दिया नी तू गल्लां विच आई, ते तू मैनू छड़ गई ते मुक हद गई, तेरे मेरे प्यार नू। वैसे वो काफी कूल शॉट था। हाँ, वो था, वही बहुत अच्छा लगा। एक गल दस जरा, ऐवे कदी बेवजह किते तेरे ज़हन विच, बैक इन द ब्रेन विच आया होवे सवाल, केड़े हाला विच बिलाल, किती होवे बंद तू मैनू मिला के कॉल, कदी किसी मोड़ ते राजा दे खाली किसी रोड, बस हंजू ते विछोड़े वे जो मेरे लिए तू छोड़े वे, वेखी देर ना बोती ला देवी, किते शामा ना तू पा देवी, दिन जिंदगी दे थोड़े वे। लिरिक्स काफी है ना अच्छी। ओके, बात करते करते सॉन्ग खत्म हो गया तो बहुत ही, इतना बात नहीं करना नहीं करना चाहिए बीच में, लेकिन इसमें बहुत कुछ सरप्राइजिंग थिंग्स था जो डिस्कस करना पड़ा। तो है, एक तो हेयर ब्लीच किया, एंड एक्चुअली ये काफी कूल, बहुत सारे लोग जब हेयर ब्लीच करते हैं स्पेशली ये ब्राउन लोग, बहुत जन पे सूट नहीं करता, लेकिन बिलाल सईद पे सूट कर रहा था, प्लस अच्छे जगह से कर रहा है जो ऑब्वियसली है, कोई कोई डाउट ही नहीं ना, कोई सवाल ही उठता है, क्योंकि काफी सारे मिडिल क्लास लोगों को ट्राई करते हुए देखा उन पे सूट नहीं होता, लेकिन इन्होंने अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट, अगर वो मिडिल क्लास लोग भी कहीं अच्छी जगह से करवाए तो उन पे भी अच्छा, क्योंकि वो कलर में भी काफी क्वालिटी होता ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड लोकेशन बहुत ही जबरदस्त, कितने कूल शॉट्स है स्टार्टिंग में, ये माउंटेन रेंजेस का, फिर ये एक ओल्ड कार जो ऐसा क्रैश होके पड़ा हुआ है, वैसे ये आउट ऑफ, मतलब ये पाकिस्तान का नहीं लग रहा है एक्चुअली, लेकिन आप लोग कमेंट्स में बताओ अगर आपको पता है ये लोकेशन कहाँ का, हो सकता है पाकिस्तान भी काफी डाइवर्स कंट्री है, तो बहुत सारे लोकेशंस है जो हमने अभी तक देखा नहीं है। वो भी है। एक और हार्ट ब्रेक वाला स्टोरी, हाँ वो तो है, आई गेस छोड़ के चली, मैंने ऐसे ही बीच में बोल दिया ये बारिश से रिलेटेड तो नहीं है ना। नहीं नहीं, बारिश से रिलेटेड नहीं, मुझे, मैं ऐसे ही खाली कहने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे भी पता है ये नहीं है रिलेटेड, लेकिन ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें मोमिना भी आ जाती तो फिर तो रिलेटेड हो जाता था। तो अगेन ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट 1-2 रिकॉर्ड्स, एंड या अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, तो बेल आइकन दबाए बिना जाना मत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर।